أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूं मोफिन रजा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो ईसीओ 403 मैक्रो इकोनॉमिक्स की हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 आई है स्प्रिंग 2021 की उस हवाले से है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी असाइनमेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें हमें बताया गया है गाना इज कंट्री लोकेटेड एट द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। गाना इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली स्टेबल कंट्री इन अफ्रीका। द मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गाना आर गिवन बिलो। ये हमें गाना एक कंट्री के हवाले से बताया गया कि जो अफ्रीका के अंदर है और वहाँ पे जो है उसकी हमें इकोनॉमिकली जो है वो बताया जा रहा है कि वो एक स्टेबल कंट्री है और उसकी जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैं वो हमें नीचे दी गई हैं। एक्सपोर्ट के अंदर टिम्बर है, कोका है, एल्युमिनियम है, ऑयल एंड मैसेंजर है। इसके अंदर मेजर एक्सपोर्ट हैं कार हैं, राइस है, रॉ शुगर है एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल है। इसकी हमें बताया गया है डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द गाना फॉर द 3 ईयर इन द 3 डिफरेंट टेबल अलॉन्ग विद द 3 देयर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैव गिवन बिलो। हमें जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2016 एंड नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2017। हमें जो है नीचे एक टेबल दिखाया गया जो कि हम सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। ये एक टेबल है जिसके अंदर हमें बताया गया कि 3 हमारे पास गुड्स हैं, 2 एक ऑरेंज है एक मैंगो है। ऑरेंज की जो प्राइस है वो 5 है, क्वांटिटी 200 है, मैंगो 7 प्राइस है और 100 हमारे पास क्वांटिटी है। ये ईयर 2016 है। इसके बाद इसी तरह हमें 2017 का बताया गया है कि 2017 के अंदर जो प्राइस है मैंगो की वो 7 है और क्वांटिटी 300 है। इसी तरह हमें ऑरेंज की, इसी तरह मैंगो की जो है वो हमें 10 प्राइस बताई गई है और क्वांटिटी जो है वो 200 बताई गई है। अब ये टेबल ये शो करता है कि 2016 के जब हम 17 में जाते हैं तो प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं, अलॉन्ग विद दैट द क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीजेस इन 2017। अब हमने इस गिवन इंफॉर्मेशन से जो है वो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2016 एंड 2017। अब जीडीपी हम नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोस्तों हम हमारे पास जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हुए जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द ईयर वो मल्टीप्लाई बाय उसकी प्राइस। अब यहां पे देखें सबसे पहले हम लेते हैं ईयर 2016 को, 2016 को। अब इसके अंदर देखें हमारे पास 200 जो है वो ऑरेंज प्रोड्यूस हुए हैं और 100 जो है वो मैंगो प्रोड्यूस हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 200 को मल्टीप्लाई किया है उसकी प्राइस यानी 5 के साथ और 100 को जो है वो मल्टीप्लाई किया है उसकी प्राइस यानी 7 के साथ। तो हमारे पास जो है इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये टोटल जो है हमारे पास 1700 बन गया। इसी तरह दोस्तों हम 2017 का भी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखें आपको लिखा हुआ नंबर आ रहा है 7 जो कि प्राइस है ऑरेंज की 2017 के अंदर और 300 जो है वो ऑरेंज हमने प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद प्लस हमारे पास 10 है, 10 जो है वो मैंगो की प्राइस है और 200 जो है वो हमने मैंगो प्रोड्यूस किए हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2017। तो हमने जो है वो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 10 को मल्टीप्लाई किया 200 से, तो हमारे पास जो है वो 4100 यानी कि 7 या 2100। और जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया 200 के साथ तो वो हमारे पास 2000 बन गया। 2000 और 2100 तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 4100 बन गया। तो 4100 जो है वो हमारी जो है 2017 की जीडीपी है नॉमिनल। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है जिसके अंदर हमने 2016 की नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जो कि 1700 आई है और 2017 की नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास 4100 आई है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूंगा मेरा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिसके ऊपर आपके जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं उनको मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। उस चैनल का यूआरएल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाएं और जो मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं आप उनसे भी फायदा उठाएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सपोज द कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द ईयर 2015 2016 2017
फॉर द इकोनॉमी ऑफ गाना इज गिवन बिलो इन द टेबल. हमें जो है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दी गई है और हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन. हमने जो है वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हम सोल्यूशन की जानी बढ़ते हैं. टेबल जो है उसको सॉल्व करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट. इस तरीके से हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है. अब आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसके अंदर हर कॉलम के अंदर एक वैल्यू जो मिसिंग है उसके सामने आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है. 2015 के अंदर हमारी कंजम्पशन मिस है, 2016 के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट मिस है, 2017 के अंदर हमारी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिस है. अब इनको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ऊपर आपको फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट है. अब हम कॉलम वाइज देखते हैं. यहाँ पे देखें सबसे पहले जो है 2015 को देखते हैं. इसमें देखें हमारे पास जो है जीडीपी टोटल वो 130,000 है और जो हमें इन्वेस्टमेंट दी गई है वो 20,000 की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें दिए गए 60,000 के और नेट एक्सपोर्ट जो है वो हमें दी गई है 10,000 की. तो आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट तो ये हमारे पास बन गया 20, 60, 80 और 10, 90,000. लेकिन टोटल जो है वो हमें दिया गया 130,000. तो इसका मतलब ये है कि 40,000 जो है वो कम है और 40,000 ही जो है वो हमारी कंजम्पशन आ जाएगी. इसके बाद हम देखते हैं ईयर 2016 को, 2016 को. अब यहाँ पे देखिए हमें 55,000 कंजम्पशन दी गई है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मिसिंग है, 45,000 जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और 15,000 जो है वो हमारी नेट एक्सपोर्ट है. तो हमारे पास 55,000 जमा 45,000 ये 1,00,000 हो गया और 15,000 जो है वो हमें नेट एक्सपोर्ट दिया गया तो 1,15,000 हो गया. जबकि टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 1,40,000 है तो 1,15,000, 1,40,000 में से 1,15,000 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी इन्वेस्टमेंट जो के 25,000 है. इस तरीके से हमारा 2016 भी मुकम्मल हो जाता है. इसके बाद बारी आती है 2017 की. अब 2017 में देखें कंजम्पशन हमें 50,000 दी गई है, इन्वेस्टमेंट 40,000, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मिसिंग वैल्यू है और नेट एक्सपोर्ट जो है वो 30,000 की है. तो 50,000 जमा 40,000 90,000 और 30,000 1,20,000. जबकि टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमें 1,70,000 दी गई है. तो 1,70,000 माइनस 1,20,000 तो हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 50,000 के बचते हैं. तो हमारी 2017 की जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो 50,000 आ गए. तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है. अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूंगा मेरा एक और YouTube चैनल भी है जिसका नाम Key to Success है, जिसके ऊपर मैं आपकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड करता हूँ. चाहे वो आपका मिड टर्म हो, चाहे वो आपका ग्रैंड क्विज के हवाले से हो, चाहे वो आपका फाइनल टर्म के हवाले से हो. तो उस चैनल का URL भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप Key to Success को जरूर विजिट करें और वहां पे आप बहुत कम वक्त के अंदर जो है आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. सपोज द एडल्ट पॉपुलेशन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन फॉर द ईयर 2019 ऑफ द इकोनॉमी ऑफ गाना इज गिवन बिलो इन दैट टेबल. हमें जो है वो नीचे एक टेबल दिया गया जिसके अंदर पॉपुलेशन बताई गई है, अनएम्प्लॉयड पर्सन बताया गया और एम्प्लॉयड पर्सन बताए गए हैं. हमने क्या करना है, मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है. टेबल जो है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसके अंदर एडल्ट पॉपुलेशन 15,00,000, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो हमारे पास 7,00,000 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो हमारे पास 5,00,000 है. हमने जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करना है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना है. हम सबसे पहले जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करते हैं. उसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100. अब लेबर फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन प्लस हमारे पास नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन. तो अनएम्प्लॉयड पर्सन 7,00,000 है प्लस हमारा 5,00,000 जो है वो एम्प्लॉयड पर्सन है तो टोटल 12,00,000 बन गया. ये हमारी लेबर फोर्स आ गई. हमने 12,00,000 को डिवाइड करना है 15,00,000 से, तो एडल्ट पॉपुलेशन से, और मल्टीप्लाई बाय करना है 100 से, तो हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा जो कि 12,00,000
तकसीम 15 लाख वर्ब फॉर, हमारे पास 80% जो है वो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ गया, तो यहाँ पे मैंने 80% लिख दिया। इसके बाद आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट करने का कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है, जो क्या है, अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब लेबर फोर्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट की है, ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन जो कि 7 लाख है, और प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन जो कि 7 लाख है, तो 7 लाख जमा 5 लाख 12,000 हो गया हमारे पास लेबर फोर्स। तो हमने अनएम्प्लॉयड पर्सन 7 लाख डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स 12 लाख मल्टीप्लाई बाय जो है वो हमारा 100 आ गया। तो जब हमने 7 लाख तकसीम 12 लाख किया और वर्ब फॉर किया, तो हमारे पास 58.33 जो है वो जवाब आ गया, और यही जो है वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस असाइनमेंट को सॉल्व करने का आइडिया मिल गया होगा। हम अपनी आज की वीडियो जो है ECO 403 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यहीं पे खत्म करते हैं। आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि www.youtube.com/teacherforlineforyou पे जरूर जाएं, और वहां पे मेरे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और इसी तरह की टू सक्सेस पे जरूर जाएं, वहां पे जो मेरा कंटेंट अवेलेबल है आप उससे फायदा उठाएं, और उन चैनल्स को भी आप इसी तरह सपोर्ट करें जैसे आपने मुझे इस वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल के अंदर सपोर्ट किया। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ या GDP सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।